अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक चीज़ होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए। तो इनइक्वालिटी क्या होती है? अगर मैं ए ग्रेटर देन बी लिखता हूँ तो ये इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। तो अब इक्वालिटी या अनइक्वल सॉरी इनइक्वालिटीज़ के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, लॉ ऑफ ट्रेकोटॉमी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टीज हम करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो इसी इन्हीं चार के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जब तक ये प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की आपको नहीं आती, नहीं समझते कि ये कैसे ऑपरेट करती हैं, तो आप एक्सरसाइज 7.3 अच्छे से नहीं कर सकते। इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम उसको देख लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ देखें, लॉ ऑफ ट्रेकोटॉमी। लॉ ऑफ ट्रेकोटॉमी में क्या कहता है वो देख लें। फॉर एनी ए बी कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। ये ई होता है इस तरह, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एक नंबर 4 है और एक नंबर 5 है। तो अब देखें, या तो ये क्या हो सकता है, 4 less than 5। अब ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो बाकी वाली फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें, ये वाली चीज़ नहीं बनेगी, क्या 4 = 5 गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या 4 बड़ा होता है 5 से, हालांकि 4 smallest है 5 से, तो इस वजह से ये भी फॉल्स होगी। तो कहता क्या है कि अगर ए और बी कोई भी दो हमारे पास रियल नंबर हैं, तो तब इन तीनों में से, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों में से कोई एक ट्रू होगी, ठीक है। असाइनमेंट में आपने ना इन प्रॉपर्टीज लिखनी है, डेफिनेशन, और उसके बाद आपने इनकी एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो देख लें। आपने कहना है कि लेट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर आपने ना ए और बी की जगह ये वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। ये वैल्यूज क्या है, बी ए की वैल्यू क्या है, 5, इधर 5 less than बी की वैल्यू क्या है, 4, इस तरह, ठीक है। तो फिर आपने बताना है कि इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करी, जो सेटिस्फाई करी होगी वहां पे आपने टिक लगा देना, या जैसे भी आप कर दें, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए कि तीन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करती है। ट्रांजिटिव वैल्यू हमेशा तीन वैल्यूज के ऊपर। अब देखें, ये ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर होंगे। पहली वाली क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी। अब मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो इधर क्या कह रहा है, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है कि 5 > 4, और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि बी ग्रेटर देन सी, तो सी की वैल्यू, अब बी हमारा क्या है, ये 4, और सी की वैल्यू मैं कह देता हूँ 2 है, ठीक है। तो इधर क्या कह रहा है, एंड बी की वैल्यू क्या है, 5, सॉरी बी की वैल्यू ये 4 > 2। अब क्या कह रहा है कि 5 4 से बड़ा है और 4 2 से बड़ा है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि 5 c से भी बड़ा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 > 2, ठीक है। सी की जगह क्या आ जाता है, 2, ठीक है। दोबारा देख लें कि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो ए जो होगा ना वो सी से बड़ा बनेगा, ठीक है, कैपिटल लार्जर नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेस देन के साइन के साथ है, ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर ए लेस देन बी है, मिसाल के तौर पे 4 less than ये, ए की वैल्यू क्या हो गई है, 4, बी की वैल्यू क्या हो गई है, 5, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, एंड बी लेस देन सी, बी की वैल्यू मैं क्या कह देता हूँ, ये है ना, ठीक है, ये ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है इस जगह पे, वो देख लें, बी की वैल्यू 5
फाइव है, और इधर क्या कह रहे हैं, बी किस से छोटे है, सी से, तो सी की वैल्यू मैं मिसाल के तौर पे फाइव से बड़ी ही रखनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो सेवन रख देता हूँ, ठीक है, बी है, और ये किसकी वैल्यू मैंने लिखी है, सी, तो इसका क्या मतलब है कि बी सी से छोटा है, तो फाइव सात से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो फिर ये किस चीज़ को इम्प्लीफाई करती है कि ये जो ए है ना, ये सी से छोटा ही रहेगा, कि अब ए लेस देन सी का क्या मतलब है, ये देख लें कि फोर लेस देन सेवन, ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है हमारी इस जगह पे, ठीक है। नहीं समझ आई, दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे जाके सुने, आहिस्ता सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐड से रिलेटेड है, ठीक है, प्लस करने से रिलेटेड है। कहता क्या है कि ए बी और सी कोई भी रियल नंबर होंगे हमारे पास, ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है, और अब इसके बाद आप ए के अंदर भी सेम नंबर प्लस करें, बी के अंदर भी सेम नंबर प्लस करें, तो हमारे पास इक्वलिटी सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे फाइव ग्रेटर देन, सॉरी फाइव लेस देन मैं कह देता हूँ फोर है, ये दूसरी बार मैं आपको साथ कराने लगा हूँ, ठीक है। फाइव लेस देन नाइन, ठीक है, फाइव लेस देन नाइन। अब इस जगह पे मैं एक ही नंबर प्लस करूँ, मिसाल के तौर पे इधर मैं क्या प्लस कर देता हूँ फोर, और इस जगह पे भी क्या प्लस कर देता हूँ फोर, ठीक है, तो तब भी ये इसका आंसर क्या बनेगा, लेस देन ही बनेगा, इधर वाली चीज़ हमेशा फिर इधर से छोटी ही रहेगी, ठीक है। ये नीचे वाली मैंने अभी आपको करा दी, ऊपर वाली का देखें कि ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू मैं कह देता हूँ एट, वो किससे बड़ा है, बी से, और बी की वैल्यू मैं कह देता हूँ फोर है, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है कि इस साइड पे भी अगर मैं एक नंबर प्लस करूँ, सी कोई भी नंबर हो सकता है, वो मैं कह देता हूँ थ्री है, और इस साइड पे भी मैं वो नंबर प्लस कर दूँ, तो इस साइड वाली वैल्यू हमेशा दूसरी से बड़ी ही रहेगी, एक अगर सेम नंबर प्लस किया तो। एट प्लस थ्री क्या होता है, अलेवन, और फोर प्लस थ्री सेवन, तो आप देख रहे हैं कि सात, अलेवन सात से बड़ा ही आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो इसकी हमने भी देख ली। इसके बाद जीरो के साथ भी इसको हमने देखना है, कि ये तो बी कोई भी नॉन जीरो नंबर है ना, ए और बी नॉन जीरो नंबर्स होंगे। अब हमने ये एज्यूम करना है कि जो ए है ना वो जीरो से बड़ा है, ठीक है, बी नहीं है, हमने कहा जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब इसका मतलब देख लें कि क्या बनेगा, ये इस जगह पे मैं करवाने लगूँ, ए की वैल्यू मैं फाइव कह देता हूँ, फाइव क्या है, जीरो से बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, बी, बी की वैल्यू मैं कह देता हूँ एट, ठीक है, बी की वैल्यू क्या कह देता हूँ एट, वो भी किससे बड़ा है, जीरो से, तो फाइव और एट को जब प्लस करेंगे ना तो इस साइड वाले से बड़ा ही रहेगा, मतलब देखें फाइव प्लस एट किया ना तो वो ग्रेटर ही रहेगा जीरो से, ठीक है। तो एट प्लस फाइव थर्टीन होता है, ये आप देख रहे हैं कि वो जीरो से बड़ा ही आ रहा है, थर्टीन ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह ये दूसरे वाला आपने खुद करना है, बिल्कुल लेस देन के साइन के साथ आ गया, ठीक है, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी समझ लीजिएगा, तो इतनी आसान नहीं है जितनी पहले वाली अभी हमने देखी है, ठीक है। चार नंबर्स आ जाते हैं ए बी सी डी, ठीक है, कुछ मैं समझाऊंगा, कुछ आपने खुद करनी है, बहुत आसान है, ठीक है, बस आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना है, ठीक है। ट्रिकी है, आसान है, ट्रिकी है, दिमाग लगाएंगे वो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखें कि इफ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आंसर मेरा जीरो से बड़ा ही आएगा, ए भी कोई नंबर है जीरो से बड़ा, बी भी कोई नंबर जीरो से बड़ा है, और जब इन दोनों नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। तो देन उसने बता दिया कि ए बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लें, ए लेस देन जीरो मतलब माइनस फोर जीरो से छोटा होता है ना, और दूसरी क्या कह रहा है, बी लेस देन जीरो माइनस थ्री, मैं कह रहा हूँ बी की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या क्या हो रही है, माइनस फोर और माइनस थ्री, तो ये आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, फोर थ्री जार 12, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि
प्लस आ गया ना, साइन चेंज हो गया इसका, तो इस वजह से 12 जीरो से बड़ा बनेगा, ठीक है, इस चीज को बस समझिएगा। उसके बाद दूसरी देख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन जीरो, ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, और सी भी कोई नॉन जीरो नंबर होगा जो जीरो से बड़ा है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। देखिए कहता है क्या कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये लेस देन ही रहेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तब आपको समझ आएगी, ठीक है। इधर लाइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ए की वैल्यू मैं कह देता हूँ 5 है, जो कि लेस देन है 9। बी की वैल्यू क्या कह दी, 9। बी और ये क्या है, ए है। और सी क्या कहता है कि कोई भी एक नंबर है, 2 मैं कह देता हूँ, ठीक है, और ये किससे बड़ा है, जीरो से। अब 5 को 5 मल्टीप्लाई 2 करूँ और लेस देन 9 मल्टीप्लाई 2 करूँ, तो ये क्या आएगा बताएं जी, क्या आएगा? ये वाली चीज़ है ना, ए को सी के साथ कर दिया और बी को सी के साथ कर दिया, तो 5 2 10। और इधर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, बी सी, बी डॉट सी, तो 9 2 18। तो ये आप देख रहे हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है कि 10 less than 18 ही आया है आंसर। ये समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद देखिए अगली, कि ये लेस देन के साथ ही, ये अब ग्रेटर देन के साथ वैसी ही है, कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है। देख लें फिर भी इसको, कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन सी जीरो। अब इसको मैं इस जगह पे करवा देता हूँ आपको, थोड़ा वो आपके लिए समझ आ जाए। ए की वैल्यू मैं कह देता हूँ 5 है, बी की वैल्यू मैं कह देता हूँ 2 है, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर, और सी की वैल्यू मैं ज्यूम कर लेता हूँ -4 है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या बता रहा है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि -1 -2 -3 -4, इस तरह नंबर माइनस में चलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी क्या है, लेस देन जीरो, तो सी की वैल्यू क्या है, -4 लेस देन जीरो, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, ए डॉट सी, सी को मल्टीप्लाई करें, लेस देन का साइन हम वैसे ही रखते हैं, और इधर ए डॉट सी है ना, इधर मैं लिख देता हूँ ए डॉट सी, और इस साइड में क्या है, ये देखें बी डॉट सी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है ना, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस के साइन की वजह से। देखें कैसे होगा वो देखें आगे, ए डॉट सी है, ए की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई, ये सी की वैल्यू क्या है, -4, बी की वैल्यू क्या है, 2, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है, -4, तो ये क्या बनेगा, 5 4 20, -20 लेस देन, और ये क्या बनेगा, 4 2 8 -8। अब एक चीज देखें कि ये अगर एक लाइन चल रही है ना, तो इस साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते रहेंगे और इधर नेगेटिव चलते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पे देखें, इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो इनमें सबसे छोटा जो नंबर होगा ना, -3 होगा, क्योंकि इधर जैसे जैसे जा रहे हैं नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो इस वजह से -1 बड़ा है, -2 फिर छोटा होगा, -3 फिर सबसे छोटा होगा, ठीक है। इस वजह से -20 जो है ना, वो -8 से छोटा तस्वर किया जाता है। ये बात नहीं समझ आई, वीडियो को रोकें, इसको सॉल्व करें एक बार, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो देख लें, कहता क्या कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, कि ए की वैल्यू भी आप कुछ कह दें कि 5 है, बी की वैल्यू भी आप कह दें 3 है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बी की वैल्यू 8 क्यों नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि इधर क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू 5 से कम ही होनी चाहिए, 4 3 2, इस तरह आप माइनस के अंदर भी कुछ रख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या कह रहा है, सी की वैल्यू मैं कह देता हूँ 8 और डी की वैल्यू मैं कह देता हूँ
सिक्स कह देता हूँ, क्योंकि बस डी से वो सी जो है वो डी से बड़ा होना चाहिए, तो वो मैंने डी की सी की 8 और डी की 6 रख दिया, तो ये मेरा हो जाएगा ठीक है। अब आगे देखें, देन ये इसको मैं सॉल्व करके बताने लगा हूँ कि ए सी क्या है, ए और सी 8 5 40 ठीक है। तो ये बी डी क्या है, बी और डी को मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 18। तो ये अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करें वो हमेशा बड़ा रहेगा बी और डी के साथ ठीक है। ये बस आपने इनकी ना ये वाली चीज़ें याद रखनी है कि अगर पहला नंबर भी बी से बड़ा है और फिर ये वाला दूसरी इनइक्वालिटी के अंदर पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर बड़ा आएगा इन दो को मल्टीप्लाई करने के साथ ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आई, एक दो बार इनको दोबारा सुने ध्यान से ठीक है, सॉल्व करें मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके। अब मैंने तो ये वैल्यूज़ 5 3 लिए ना, आप इसको ए की वैल्यू 9 कह दें ठीक है, और बी की वैल्यू आप इसको -4 कह दें ठीक है। वैल्यूज़ आप चेंज करके इसको सॉल्व करें, तो फिर भी नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, वो मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा ठीक है। बाकी अब अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।